जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। श्री शारदाम्बिकये नमः। गुरुं गणपतिं दुर्गा वटुकं शिवमुच्यतम्। ब्रह्माणं गिरिजां लक्ष्मीं वाणी वंदे विभूषतये। ईश्वर उवाचः, शृणो देवी प्रवक्ष्यामि रेणुका मंत्रमुत्तमं यस्य विज्ञानमात्रेण सर्वकार्याणि साध्येत। अर्थ क्या? अर्थ, महादेव ईश्वर भगवती को डामर तंत्र में बोल रहे हैं कि हे देवी सुनो, रेणुका का मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को जानने से ही सर्व कार्य, जो भी मनोरथ है, उनकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद संस्कृत में कई श्लोक हैं, अस्य रेणुका मंत्रस्य भार्गव ऋषि। रेणुका कौन थी? रेणुका यानी परशुराम, उनको रेणुका माता भी बोलते हैं। कर्नाटक महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में ज्यादा पूजा होता है। जो हिंदी भाषी हम हैं, ये तो धीरे धीरे अपने धर्म को विलुप्त करते जा रहे हैं, है ना? तो रेणुका माता, जिनके पांच पुत्र थे, जिसमें एक विष्णु अवतार परशुराम भी थे, उनकी पूजा होती है। और रेणुका माँ भगवती आद्या का भी स्वरूप माना जाती है। तो महादेव ने इनका मंत्र दिया, बहुत ही एक अद्भुत साधना। इस साधना का जो पहला मंत्र करता है ना, उसके साथ ही जो भी उनकी मनोकामना है, उनकी पूर्ति होने लगती है। इसको साधने के लिए चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। जो पंच पूजा की सामग्री है, धूप दीप नवेद फल, है ना, गंध, इसके अलावा एक स्थान जहां पर आप रोज एक पुष्प रखें और उस पुष्प से इनकी पूजा करें, ठीक है? तो इनके पूजा का, क्योंकि ये साबर मंत्र है और संस्कृत में है, तो इसका अपना एक विधान है। तो कैसे शुरू करते हैं? अस्य रेणुका साबरी मंत्रस्य भैरव ऋषि पंक्ति छंद रेणुका साबरी देवता ममाभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनय योग। ठीक है, इतना बोल के हाथ में जल रखना है, इस मंत्र को पढ़ने से पहले उसको गिरा देना है। फिर ओम भैरव ऋषये नमः, सिरसि सर को छूना है। पंक्ति छंद से नमः, मुख को छूना है। रेणुका सबरी देवताये नमः, हृदय को छूना है। विनियोगाय नमः सर्वांग, उसके पूरे शरीर को सर से नीचे तक छूना है। फिर हाथ का करेंगे न्यास, ओम नमः अंगुष्टभ्याम नमः, ओम नमस्ते तर्जनीभ्याम नमः, ह्रीम नमो मध्याभ्याम नमः, क्लौम नमः अनामिकाभ्याम नमः, ऐम नमः कनिष्ठकाभ्याम नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लौम ऐम करतलकरपृष्ठाभ्याम नमः। देखिए, इनका जब आप पूजा करते हैं तो इसका दो विधान है। एक तो सिर्फ एक पुष्प रख के आप पूजा करें, या जैसे भगवती का यंत्र बनता है, मतलब पहले एक त्रिकोण बनता है, उसके ऊपर फिर चतुर्दल बनता है, फिर अष्टदल बनता है, फिर उसके ऊपर एक सर्कल हम लोग बनाते हैं, वैसे बना करके रोली या रक्त चंदन से बीच में क्रीम लिख देने से भी रेणुका देवी का मंत्र बनता है। इसके बाद हम क्या करेंगे? ओम नमो हृदयाय नमः, ओम नमः सिरसे स्वाहा, लिम नमः शिखाय वसट, क्लौम नमः कवचाय हुम, ऐम नमः नेत्राय वसट, ओम श्रीम ह्रीम क्रौम ऐम अस्त्राय फट, सर के ऊपर से हाथ घुमा करके तीन बार, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड के इंडेक्स और मिडिल फिंगर से तीन बार ताली बजाएंगे। ये बहुत विस्तार में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब देवी पूजा मैंने सिखाई थी उसमें
मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले बता के रखा है। तो अगर आप यंत्र बनाना चाहते हैं तो त्रिकोण ऊपर से चतुर्कोण, फिर षटकोण, फिर अष्टदल बना करके उसके बीच में आप क्लिम लिख देंगे तो आपका यंत्र तैयार हो जाएगा। जो यंत्र नहीं बना सकते हैं वो एक पुष्प रखें, ठीक है, और पुष्प पे ये मंत्र बोले, अस्य श्री महादेव्यै एक वीराख्य मंत्रस्य कौशिक विश्वामित्र ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महादेवी एक विरह देवता ईम बीजम स्वाहा शक्तियः क्लिम कीलकम ममेष्ट सिद्ध्यर्थ जपे विनियोग ईम बीजम नमः। फिर उस पुष्प को छुएंगे और बोलेंगे, राइट हैंड से पुष्प को छुएंगे और बोलेंगे, ओम सर्व बुद्धि प्रदे वर्णिये सर्व सिद्धि प्रदे डाकनीये ओम रेणुका साबरी एही ही नमः। इस जाप के बाद आप जो धूप है वो दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, नवेद चढ़ाएंगे और फिर मूल जो मंत्र है उसका एक माला जाप करेंगे। मंत्र क्या है तीन बार बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐं ह्लीं श्रीं क्लीं मयेभिस्तः मनोरथं शीघ्रं कुरु कुरु स्वाहा। ऐं ह्लीं श्रीं क्लीं मयेभिस्तम मनोरथं शीघ्रं कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर मंत्र सुनिए, ऐं ह्लीं श्रीं क्लीं मयेभिष्टम मनोरथम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र उनके लिए है जो भगवती की आराधना करके अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कई तरह की रुकावटें होती हैं, कई दुश्मन होते हैं, उनके लिए मंत्र अलग रहेगा। क्या मंत्र रहेगा? ओम क्लिम नमो भगवती रक्त पच्चमी रेणुका देवी दह दह पच पच अखिल जगनमे वंशम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र का प्रयोग गृहस्थ कम करें, जो पहला मंत्र दिया है उसी मंत्र का प्रयोग आप लोग ज्यादा करेंगे। इस मंत्र का प्रयोग करने से जो पहला माला है उस मंत्र से ही आपका जो भी मनोरथ है वो पूर्ण होने लगेगा। अच्छा, इसमें क्या है, संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपके मन में जो विचार है, जिस विचार को भी लेके आप जाप करेंगे वो सिद्ध होने लगेगा। बहुत लोग इस पूरे विधान का रोज भी अनुसरण करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई घाटा नहीं है। जो दूसरा मंत्र है उसके लिए कुछ नियम पालन होता है, जैसे दक्षिण दिशा में ही उस मंत्र को मुख करके पढ़ा जाता है। उसमें एक त्रुटि है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, रक्त पंचमी बोलते हैं उसको, ठीक है, जो बीच का एक शब्द मैंने जानबूझ करके उसको पूरे मंत्र में एक साथ नहीं पढ़ा, क्योंकि आप लोग सुन रहे होंगे, है ना। तो बस इसका जाप करना है, ज़्यादा असर देखना, 7 दिन कीजिए, 21 दिन कीजिए, उसके बाद रोक दीजिए, है ना। दूसरे मंत्र का तो बिल्कुल एक दिन में आप जो है एक दिन पूजा कर कर छोड़ देंगे। जो पहला मंत्र है वो 21 दिन के, आप फिर 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का आपने विराम लिया, फिर उसके बाद उसको फिर से इस मंत्र को दोहराएं। जीवन में हमेशा प्रगति उन्नति होनी चाहिए, तो उसके लिए ये मंत्र आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं। उसमें जो साधना का आगामी जो शुरुआती साधना विधान होता है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, जैसे मंत्र कैसे सिद्ध करते हैं, यंत्र कैसे बनाते हैं, हवन कैसे करते हैं, देवताओं को प्रत्यक्ष कैसे करते हैं। वहाँ जिनको मेरा आगामी कार्यक्रम जानना है या लेख पढ़ना है वो मेरे वेबसाइट www.aghortantras.com से जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर जाइए, रुद्रनाथ @cm4 सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप सभी पर कृपा बरसाए, ऐसी मेरी प्रार्थना। आप सभी को आदेश।